सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव कुरी। जैसा कि हम लोगों ने 2020 को टाटा बाय बाय कर दिया है, 2020 बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट ईयर रहा है सभी के लिए एंड 2021 को हम लोगों ने वेलकम कर लिया है। सो 2021 का वेलकम जो हम कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग बहुत सारी पार्टीज करते हैं एंड न्यू ईयर मनाने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। जनवरी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है हमारी पिकनिक एंड पार्टीज एंड सब चीज़ों में। सो, आज की जो मेरी वीडियो है वो भी उसी से रिलेटेड है। आप लोगों को कहीं ना कहीं पार्टीज में जाना होगा, कहीं ना कहीं आप लोग पिकनिक मनाने जाओगे ही, सो, उनमें ड्रेसेस तो चाहिए ही होंगे। एंड आज की मेरी जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं इस जंप सूट का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। ये जो जंप सूट मैंने बनाया है वो एक रैप जंप सूट है एंड यहाँ पे साइड में मैंने नॉट दिए हैं। मैंने इस जंप सूट को स्लीवलेस बनाया है, बट अगर आप चाहो, क्योंकि विंटर का टाइम है, सो अगर आप चाहो तो इसमें स्लीव ऐड कर सकते हो। बहुत सारी मैंने ऐसे ड्रेसेस बनाए हैं जिसमें मैंने स्लीव्स लगाए हैं, सो वैसे उन सारे टॉप्स के वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको स्लीव लगाना है तो आप वहां जाकर के स्लीव के वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर आपको इस तरीके से भी जंपसूट बनाना है तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद समर्स आ जाने वाले हैं एंड समर्स में इस टाइप के ड्रेसेस जो होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब हम लोग उन्हें पहनते हैं एंड बहुत ही कंफर्टेबल होता है। एंड ये वाला जो जंप सूट है वो, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है, इसके लिए जो मैंने फैब्रिक का यूज़ किया है, मैंने क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है एंड क्रेप फैब्रिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट फैब्रिक होता है, तो अगर आपका बजट 200 रुपीज़ भी है ना, तो भी आप इस ड्रेस को बना सकते हो और न्यू ईयर के लिए या किसी भी पार्टी में आप इसे पहन के जा सकते हो और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सो, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, आप लोग जल्दी जल्दी उसे भी प्रेस कर दीजिए, कि मेरी जितने भी वीडियोस आएंगे, मैं बहुत सारे अभी ड्रेसेस बनाने वाली हूँ। अगर आपको बहुत जगह पर पार्टी में जाना है तो उनके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। सो, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरे जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास सबसे पहले जाएंगे। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है एंड लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर कॉटन लाइनिंग ली है। तो सबसे पहले मैं अपने टॉप के पार्ट को कट करूँगी। तो टॉप के पार्ट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे अपने कॉटन लाइनिंग पे मैं अपनी कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बैक पार्ट को कट करूँगी। तो बैक पार्ट को कट करने के लिए मैंने अपने फेब्रिक को डबल फोल्ड किया है एंड जो मैं, आप अपने किसी भी फिटिंग का टॉप लीजिए। यहाँ पर मेरी जो टॉप की लेंथ है मैं पे 15 इंचेस पे मार्क करूंगी एंड 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं पूरे टॉप की मार्किंग कर लूंगी इस तरीके से। एंड फिर मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद आप देख सकते हो कि जो बैक पार्ट है वो कट हो चुका। अब हम अपने टॉप के फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए भी मैंने अपने लाइनिंग को डबल फोल्ड किया है। ये मैं यहाँ पे रैप टॉप बना रही हूँ। तो रैप टॉप बनाने के लिए यहाँ पे हमें फ्रंट का 2 पीसेस कट करने हैं। तो 2 पीस कट करने के लिए मैंने यहाँ पे अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है एंड जो मैंने बैक पार्ट कट किया था उसे मैं इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करूँगी एंड जैसा था हमें उसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने पूरे बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब एक शोल्डर से लेकर के मैं इस तरीके से एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करूँगी। ये जो स्लैंट लाइन है मैं मिडल टॉप के मिडल पार्ट तक ड्रॉ कर रही हूँ एंड एक और स्लैंट लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये वाला जो स्लैंट लाइन है मैं पूरे बॉटम तक ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। और अब हम अपने पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो डबल फोल्डेड है। तो यहाँ पे मैं पहले एक लेयर कट करूँगी एंड एक लेयर को मैं यहाँ पे एक फैब्रिक को साइड कर लूँगी एंड फिर जो हमने नीचे तक मैंने जो मार्किंग करी थी उसे भी मैं कट कर लूँगी।
तो आप देख सकते हो कि जो लाइनिंग है वो मेरी कट हो चुकी है एंड एक पार्ट जो लाइनिंग का है वो कुछ इस तरीके का है एंड दूसरा वाला जो हमने बॉटम तक जिसमें हमने स्लैंट लाइन कट किया था उसे हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे। इसी तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे अपने तीनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने अपने तीनों फैब्रिक के अकॉर्डिंग अपने मेन पार्ट को कट कर लिया है एंड जहाँ अब हमने जो कट किया है उसे अब हम एक सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे एंड जो मेरा बैक वाला पार्ट है उसका भी हम उसके भी नेक को हम सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर दिया है एंड जब हम इसे पलटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड जो टॉप है वो भी हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हो। एंड जो बैक वाला पार्ट है तो यहाँ पे हमने अपने नेक को कर्व कट किया था तो जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे हम एक छोटा छोटा मैं यहाँ पे कट्स दूंगी एंड इसके बाद हम इसे भी फोल्ड कर देंगे और अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम अपने शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर्स को जॉइंट करने के लिए जो पार्ट हमारा बॉटम तक कट था मैं उसे एक के ऊपर एक मैं इस तरीके से अपने फैब्रिक को रखूँगी एंड फिर इसके बाद हम अपने शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। एंड शोल्डर्स को अटैच करने के बाद हम अपने साइड्स की भी सिलाई कर देंगे। तो एक तरफ हम तीनों पार्ट्स को सिलाई करके अटैच करेंगे एंड जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उधर जिधर जो हमारा स्मॉल पार्ट था उसे हम सिलाई लगा के अटैच नहीं करेंगे। तो ये कुछ दिखने में इस तरीके से दिखेगा। अब हम अपने स्लीव को भी हेम कर लेंगे। तो स्लीव को हेम करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक छोटा सा फेब्रिक है एंड अब हम इसे उरेबी पट्टी में कट करेंगे। छोटी छोटी पतली पतली मैं यहाँ पे स्ट्राइप्स कट करूंगी। सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ढेर सारी स्ट्राइप्स कट की हैं। अब उन दोनों को इस तरीके से एक के ऊपर एक पैरेलल रख करके इसे आपको अब सिलाई करनी है एंड जब हम इसे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसी से अब हम अपने स्लीव पे अब इसी को अटैच करेंगे एंड फिर इसके बाद अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके हम अपने स्लीव को भी अच्छी तरीके से हेम कर लेंगे। सो स्लीव हेम हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा टॉप का पार्ट है वो रेडी हो चुका है एंड वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो अब हम अपने बॉटम पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो बॉटम को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे अपने फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है एंड टॉप वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके मैं उसके ऊपर प्लेस करूँगी। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड जिधर हमारा साइड था उधर कर अप्रॉक्स 2 इंच का गैप छोड़ूंगी मैं एंड मैं यहाँ पे एक अपने फिटिंग का पैंट लूंगी इस तरीके का। आप अपने किसी भी पैंट को ले सकते हो एंड फैब्रिक पे मैं इस तरीके से प्लेस करूंगी एंड जो भी पैंट की लेंथ है वो मेरी शॉर्ट है तो यहाँ पे मैं 37 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड फ्रंट पे भी आप देख सकते हो इस तरीके से जितना हमारा पार्ट था वहाँ से लेकर के क्रॉच एरिया तक हम ड्रॉ करेंगे एंड 1 इंच का गैप छोड़ते हुए पूरे फैब्रिक पे मैं मार्क कर लूंगी। मार्किंग हो जाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से शो होगा। जब आप इसे खोलेंगे तो हमारे पास जो पैंट है उसका कुछ 2 लेयर्स होगा एंड जो हमारा क्रॉच एरिया है अब हम उसे सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे एंड नीचे के पार्ट को भी मैं हेम कर लूँगी। तो जॉइंट क्रॉच एरिया जॉइंट हो जाने के बाद कुछ पैंट जो है वो इस तरीके से दिख रहा है एंड आप देख सकते हो कि मैंने नीचे वाले पार्ट को भी हेम कर लिया है एंड जो हमारा साइड का पार्ट है उसे भी अब हम सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे।
तो सिलाई लगा के जॉइंट होने के बाद जो पैंट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम अपने टॉप को अपने पैंट के साथ अटैच करेंगे। तो टॉप को पैंट के साथ अटैच करने के लिए हमें अपने पैंट को रॉन्ग साइड की तरफ रखना है एंड टॉप को मैं उसके अंदर राइट साइड की तरफ रख करके इंसर्ट करूँगी कुछ इस तरीके से। एंड जो मेरा पैंट का सेंटर वाला पार्ट था तो मैं टॉप के सेंटर वाले पार्ट को एक जगह पे मिलाऊंगी एंड उसके बाद पिन से अटैच कर दूंगी अच्छी तरीके से। इसी तरीके से मैं बैक पार्ट की तरफ अपने पूरे टॉप को पिन से अटैच कर दूंगी कुछ इस तरीके से। और जो फ्रंट वाला पार्ट था तो फ्रंट वाले पार्ट का जो क्रॉच एरिया है उसे मैं मिडिल से अपने टॉप के साथ अटैच करूंगी। सो आप देख सकते हो कि फ्रंट पार्ट के पास कुछ जो हमारा फैब्रिक है वो थोड़ा लूज है तो वहां पे हम कुछ छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो हमारा लूज वाला पार्ट था उसे हम छोटे छोटे प्लीट्स लगा के पिन से अटैच कर लेंगे। एंड प्लीट्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और अब हम इसकी सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर देंगे। सो जॉइंट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड जो हमारा टॉप का फ्रंट पार्ट था उसे मैंने सिलाई लगा के जॉइंट नहीं किया है। सो अब हम अपने बेल्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए अप्रॉक्स 4 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी कट करी है और पट्टी को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी एंड फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी और उसे पलट लूँगी। सो ये जो बेल्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड मैंने यहाँ पे 2 बेल्ट्स बनाए हैं। सो एक बेल्ट को मैं इस साइड पे इस तरीके से लगा करके पिन से अटैच कर दूंगी एंड फिर इसके बाद सिलाई लगा दूंगी। एंड जो दूसरा वाला बेल्ट है सो जो टॉप का हमारा दूसरा पार्ट था उसके कॉर्नर पे मैं इस तरीके से बेल्ट लगाऊंगी एंड इसे भी पिन से अटैच करके सिलाई लगा दूंगी। सो जो हमारा ड्रेस है वो बन करके रेडी हो चुका है। होप मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।